الحمد لله الحمد لله الذي هدى وكفى وهو الذي خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله التقى النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها صدق الله العظيم ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیو ان جے عبد اللطیف چوے مٹی لدھو مان کوڑے کن سلام اچیو آتن ان جے سبحان اللہ وے گو وٹ ونی ان نے قلم جنی جے ہتھ میں میٹے انگ اگیوں بارے بیو لکھن پنو اوہی پائین پسن جن منج پیری کے کمال خاتمیت سے گئے عرش پر بلغ العلا بکمالی جمال خاتمیت سے ہوئے روشن دو جہاں یکسر کشفت دجا بجمالی خصال خاتمیت سے ہوئے حسین سب سے بڑھ کر حسنت جمیع خصالی ذات خاتمیت پر اور ان کی آل پر افتخار پڑھ درود صلو علیہ وآلہ ذوق اور شوق سے عشق و محبت سے بلند آواز سے مل کر میرے ساتھ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بلند آواز سے درود شریف پڑھائیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نواب شاہ اور کراچی درمیان بہت سارے حضرات ہیں آپ کا درود شریف کی آواز نواب شاہ تو نہیں پہنچ رہی لیکن کم سے کم اتنا درود تو پڑھیں کہ کراچی سے باہر تک تو جائے سبحان اللہ بڑے آواز سے پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
काबिल एहतराम प्यारी जमात, दोस्तों, बुजुर्गों, मुसलमान भाइयों, आज की ये पुरवकार रूहानी, इरफानी, वजदानी, कुरान करीम फुरकान अजीम बुरहान मुबीन ईशानशार महफिल बसिलसिला जश्न ईद मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर साल मुनक़िद की जाती है। आज इसी दारुल उलूम जामिया इसहाकिया में हस्बे दस्तूर मुनक़िद की गई है। अल्लाह ताला आपका और हमारा आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। हम सबको जिस अजीम रूहे नवा हस्ती की ज़ियारत और आपके कमाल अकवाल के सुनने का इश्तियाक है, अनकरीब वो स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे और आप उनका रूहानी इरफानी बयान समाप्त फरमाएंगे। मैं भी उस औरत की तरह के जो रूई का कुछ हिस्सा अपने हाथों में लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी की गर्ज से उन लोगों में शामिल हो गई जिनके पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के मुताबिक सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात मौजूद थे। तो किसी ने कहा कि ऐ माँ, क्या आप खरीद कर पाएंगी यूसुफ अलैहिस्सलाम को? तो कहने लगी, खरीद तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन रोज़े क़यामत जब अल्लाह के नबी के चाहने वालों को रब उठने का हुक्म फरमाएगा, उनकी इज्जत तकरीम और एहतराम फरमाएगा, तो उनमें इंशाअल्लाह मैं भी शामिल हो जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अच्छा बच्चा बैठ जाओ।
देखें और बैठ के हजरत साहब का दीदार करते रहे, खामोशी के साथ बयान भी सुनते रहे और हजरत साहब के फैज से भी मुस्तफीज होते रहे। तशरीफ रखे जरा, बच्चे तो सब जाए हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह, बड़ी मोहब्बत से हजरत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद अब्दुल गफ्फार अलमारो और उनका आप रूहानी मजदानी इरफानी बयान समाप्त फरमाएंगे। तो गुजारिश की जाती है आप अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखे होंगे, तमाम अफराद से आप तमाम हजरात तशरीफ रखे और बुलंद आवाज से सलात शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अपने प्यारे हबीब तबीब लबीब अजीब मुजीब नजीब को आपके लिए हम सब के लिए अल्लाह तबारक व तआला की कयामत तक आने वाली मखलूकात जैसे जिन्नों इंसानों के लिए रब्बे करीम की जात बाबरकात ने आपको राह हिदायत बना करके भेजा है और जिनके लिए आप अलैहिस्सलाम राह हिदायत बन के आए हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम पहचानते और जानते हैं। तवज्जो है बुलंद नाम से सुभान अल्लाह कहें जिनकी तवज्जो नहीं है। ऐसे थोड़ी काम यानी आप सबकी तवज्जो नहीं की, सब ऐसे कहते हम मिलाद करते हैं। अकीदा ये है, ईमान ये है कि दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजीम निगाहे बसीरत से निगाहे बसारत से आपको हम सबको देखते हैं, मुलायजा फरमाते हैं, इसीलिए हमारे कन्नातों का गुनगुनाना हम दो सुना करना प्यारे आका अलैहिस्सलाम के लिए है कि जब हम नाते पढ़ेंगे हम दो सुना करेंगे आखिर में हाथ उठाएंगे अल्लाह तबारक व तआला की जात बाबरकात के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला दोनों जहान हमारे सवार देगा। तवज्जो है तो कह दे सुभान अल्लाह। ये हमारा अकीदा है कि दो जहां के सरदार अपने गुलामों को देखते हैं, वो कहीं भी हो, वो कराची में हो, वो कश्मीर में हो, वो लाहौर में हो, इंग्लिस्तान में हो, अरबस्तान में हो, जो मेरे मुस्तफ़ा का गुलाम है मेरे महबूब उसको देखते हैं। अल्लाह ताला की जात बाबरकात ने इरशाद फरमाया अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसहुम। तर्जुमा मेरा नहीं है, तर्जुमा कंजुल ईमान का नहीं है, तर्जुमा में किसी अपने मुफसर का नहीं बल्कि अल्लामा सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह ताला अलैह का तफसीर मसारी में सनाउल्ला पानीपति
देवबंदी साहब फरमाते हैं इसकी तशरीह अल्लामा शेख मुहक्किक अतलत तलवी रहमतुल्लाह तआला ने भी फरमाई। इसी की तशरीह हजरत इमाम हुसैन बख्वी रहमतुल्लाह तआला ने भी फरमा चुके हैं। इसी की तशरीह मुहक्किक हजरत अल्लामा इस्माइल हुक्की रहमतुल्लाह तआला ने मदारक में फरमा चुके हैं। फरमाते हैं औलाद माने अकरम हुजूर अपने गुलामों को ईमान वालों को मोमिनों को करीब है। कितने करीब है? एक गज तक, इससे भी ज्यादा, एक फुट तक, इससे भी ज्यादा, इंचों तक, इससे भी ज्यादा मेरे आका अपने गुलामों को करीब है, मोहब्बत करने वालों को करीब। कितने करीब है? फरमाते हैं ईमान वाले की सांसें उससे दूर है, मोहम्मद मुस्तफा उससे भी करीब है। सांसों से भी ज्यादा करीब है। आपकी खिदमत में बात अर्ज कर दूं, ये तो मेरे आका की बात है, हमेशा मौत करता रहता हूँ, लेकिन ईमान वाले को करीब होना, अपने गुलाम को करीब होना, मोहब्बत करने वाले को करीब होना, बैत करने वाले के करीब होना मेरे मुस्तफा अली सलातो सलाम के लिए तो बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये काम तो मेरे आका के गुलाम भी कर गए हैं। आपने नाम सुना होगा मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह, बड़े आलम गुजरे हैं, हदीस पढ़ा से थे, आलम भी थे, आरिफ भी थे। तो जब हदीस पढ़ाते तो वो तलबा को तलामिजीन को वो फरमाते कि मेरे मदीने वाले घोट ने ये फरमाया है। भाई सुभान अल्लाह, वो बोले जिसको बात अच्छी लगी। फरमाया आपने हदीस पढ़ाते फरमाते काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते मेरे मदीने वाले घोट ने यूं फरमाया। आप सबक फरमा रहे हैं, ये वो वक्त है जब हर तरफ हिंदुस्तानियों के राज है, हिंदुओं का राज है, खैर मुस्लिमों का राज है, दो कर मुसलमानों के हैं, बीस कर हिंदुओं के हैं। आपने सबक फरमाया मेरे मदीने वाले घोट ने यूं फरमाया, एक हिंदू बच्ची गैर मुस्लिम बच्ची है जिसकी उम्र 8 साल या 10 साल है, उसका वहां से गुजर हुआ। आपने जैसे फरमाया मेरे मदीने वाले घोट ने यूं फरमाया, बच्ची के कानों पे आवाज आई, तकदीर जागी, किस्मत जाग चुकी है। बच्ची ने कहा ये मखदूम साहब जिस घोट की बात करते हैं क्यों ना मेरी देखते, क्यों ना मैं भी इस घोट को देख लूं। अब वो बच्ची छोटी थी, उसको ये फहम और फरासत नहीं थी कि मखदूम साहब ने तो ऐसे फरमा दिया। आ गई मदरसे के दरवाजे पर, मस्जिद के दरवाजे पर, ये दिल में गुमान करते हुए कि आपने जो फरमाया मदीने वाले घोट ने यूं फरमाया, वो घोट सब बाहर आएगा, मैं देखूंगी बाहर है तो अंदर जाएगा, घोट देखूंगी। आपने सबक पढ़ा लिया, खत्म हो गया, बच्ची खड़ी रही देर तक, हत्ता के सूरज गुरूप होने को है, लेकिन घोट हुई घर चली गई। सारी रात जहन में गुमान में ये बात हुई, मैंने घोट नहीं देखा, कल देखूंगी। फिर अगली सुबह आई, मखदूम साहब पढ़ाते हैं मेरे मदीने वाले घोट ने यूं फरमाया, बच्ची खड़ी हो गई, आज तो ये घोट देखूंगी, आज तो उसका दीदार करूंगी। फिर खड़ी हो जाती है लेकिन घोट की ज्यारत नहीं हुई। दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन हुआ, बच्ची खड़ी हो गई, घोट नहीं आया। चौथा दिन हुआ, अब दिन
हफ्तों में तब्दील होते गए, हफ्ते महीनों में तब्दील होते गए, महीने सालों में तब्दील होते गए। बच्ची की उम्र 8 से 9 साल, 9 से 10 साल, 10 से 11 साल, 12 साल, 15 साल हो गई। रोजाना बच्चियां करके मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैहि दारुल उलूम के मदरसे के दरवाजे पर खड़ी होती है कि ये घोट मोहम्मद निकले तो मैं दीदार करूं। लेकिन ज़ियारत नहीं हुई, वक्त गुजरता गया, बच्ची की शादी, वो चली गई अपने ससुराल। जब कुछ दिन गुजरे तो मखदूम साहब ने फरमाया अपने तलामजीन को कि बच्ची रोज आती थी, आजकल नहीं आती, कर रही हो, उसकी शादी हो गई है तो वो चली गई। आपने फरमाया मुझे तुमने नहीं बताया हुजूर क्यों? आपने फरमाया बता देते, हम जाते उसको चुनरी देते, उसको कोई दुपट्टा देते, कोई हजरत देते, कोई तोहफा देते, उसके शादी का उसे गिफ्ट देते। किबला हमें क्या पता कि आप वहाँ जाएंगे, वो गैर मुस्लिम है, बद मजहब है, फरमाते हैं लेकिन हमारे पास आया करती थी, दो जहाँ के सरदार की बातें सुना करती थी। वक्त गुजर गया, मखदूम साहब से गुलाम है, एक खादिम है, वो आए किबला मेरा फला शहर में घर है, आपकी खिदमत में दरख्वास्त है, आप मेरे घर पे आए, मेरी दावत खाए, दावत कबूल हो गई। मखदूम साहब शहर में पहुंचे, जब वहाँ दावत में बैठे तो उसी मुरीद ने अर्ज किया, किबला हुजूर वो जो बच्ची रोजाना हदीस सुनने के लिए दरवाजे पे आया करती थी, जिसका नाम था राधा, वो राधा बच्ची आपके प्रिया लोए शहर से रुखसत होकर के हमारे इसी गांव में आई। आपने बोला अच्छा इधर आई? जी किबला, वो इधर ब्याह के आई है। आपने किसी बंदे को कुछ सिक्के दिए, पैसे दिए, बेटा जाओ कोई चादर ले आओ, कोई चुनरी ले आओ। किबला क्यों? फरमाया इसकी शादी में तो न जा सके, अब अगर हम उसके गांव में आए हैं तो क्यों ना उस बच्ची को शादी की मुबारक दे के आ जाए। अगर बात अच्छी लगे तो कह दो सुभान चुनरी आ गई। बस तुम साहब फरमाया चलो चलते हैं। अब चले, हर तरफ हिंदुओं का राज है, हर तरफ गैरों के घर हैं। एक अल्लाह के कामिल वली जब निकलते हैं तो अपने शान और शौकत से निकलते हैं। मुस्तफा के गुलाम आपके मुरीदीन ये सोचते हैं कि आज हम अपने महबूब मुर्शिद का, अपने महबूब उस्ताद का अखलाक देखेंगे, और कुफार भी बद मजा भी आते हैं कि देखें कि ये मुस्लिमों का अनुमान क्या करता है। आप गए, बात करवाया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से उसी राधा की आवाज आई। राधा कहती है कौन? आपने फरमाया बेटा दरवाजा खोलो, तेरा रूहानी बाप मोहम्मद इस्माइल आया है। ये लफ्ज मैंने अपनी तरफ से कहे क्योंकि मखदूम साहब जानते थे कि अगली घड़ियां बच्ची के लिए अच्छी होने वाली है। बच्ची ने दरवाजा खोला, आप पर नजर पड़ी, हैरान हो गई, आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मखदूम साहब आप इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फकीर, इतने बड़े वली, इतने बड़े काबिल, मुझ गुनाहगार की दलील पर मैं तो पता ही रहूं, आपके मुसलमान नहीं हूं, आपके अकीदे में शामिल नहीं, आपके ईमान में शामिल नहीं, आप मुझे गुनाहगार के दरवाजे पर कैसे आ गए? बद मजहब के दरवाजे पर, हिंदू के दरवाजे पर। आपने फरमाया बेटी तुम्हारी शादी हो गई, हम तुम्हारी शादी में ना आ सके, रस्मों में ना आ सके, आज इत्तफाकन यहाँ आना हुआ तो तुमने चाहा कि तू कई दिन हमारे दारुल उलूम के दरवाजे पर आया करती थी, और हम तुम्हारी रस्मों में शामिल ना हुए, यहाँ आए तो तुमने चाहा क्यों ना आज तुम्हें शादी की मुबारक दे दे। बेटा ये चुनरी है, इसको कबूल करो। कबूल कर लिया। आप फरमाते हैं मखदूम साहब बच्ची को, बेटा
मुझे अपना घोट नहीं दिखाओ, अपना बोले अपना घोट दूल्हा, हम सिंधी में घोट कहते हैं, उर्दू में दूल्हा। आपने फरमाया तुम अपना घोट नहीं दिखाओगे, ये किबला दिखाओगे, लेकिन एक शर्त है। आपने फरमाया बोलो किबला पहले वादा करें मेरी शर्त पूरी करेंगे। आपने फरमाया बेटा पूरी करने जैसी होगी पूरी करेंगे, किबला नहीं ऐसी शर्त बोलूंगी भी नहीं जो पूरी करने जैसी नहीं होगी। हाँ करें बात वो करूंगी जो आप कर सकते हैं, इलाज वो करूंगी जो आप कर सकते हैं, मिन्नत उस चीज की करूंगी जो आप कर सकते हैं। आपने फरमाया ठीक है कर लेंगे, अपना दूल्हा दिखाओ अपना घोट दिखाओ। बच्ची रात अंदर गई अपने शोहर को ले आई दूल्हे को ले आई, किबला ये मेरा घोट है अब मेरी शर्त पूरी करें। आपने फरमाया बेटा बता तेरी शर्त क्या है, किबला 8 साल मेरी उम्र थी, 8 सालों से लेकर के 18 सालों तक मैं आपके दहलीज पे खड़ी रही, रोज आप कहते थे मेरे मदीने के घोट ने ये फरमाया। मैं इतने सालों तक उस मदीने के घोट को दीदार के अपना घोट दिखा दिया, आप मुझे मदीने का घोट दिखा दे। ये तो बड़ी बात कह दी आपने, किबला आपने वादा फरमाया था आप मेरी शर्त पूरी करेंगे, मैंने अपनी शर्त पूरी की, मैंने अपना दूल्हा दिखा दिया, मैंने अपना घोट दिखा दिया, आप अपनी शर्त पूरी करें, आज आप मुझे मदीने वाला घोट दिखा दें। बेटा कोई और शर्त बोल, इसको छोड़ नहीं किबला नहीं छोड़ सकती, आज मुझे दिखा ही दे। मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह पिया लो वाले ने कहा चले अगर जिद करते हैं तो फिर आंखें बंद कर दे। सुभान अल्लाह, जिनका अकीदा है ईमान है कि मेरे मुस्तफा अपना फजल फरमा सकते हैं, वो मोहब्बत से एक बार बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। ने फरमाया बेटा आंखें बंद कर दो, दूल्हे ने बंद कर दी, दुल्हन ने बंद कर दी, गुलामों ने बंद कर दी, खुदाम ने बंद कर दी, और हजरत मखदूम मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी झोली फैलाई। माते हैं झोली मांगी जी सुभान अल्लाह।